इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकोनोडर्मेटा की इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार के दरम्यान डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे ब्रिटल स्टार के जो आर्म्स हैं ये अनब्रांच्ड आर्म्स हैं और मोस्टली इनके अंदर सेंट्रल डिस्क मौजूद है जो कि साइज़ में रेंज करती है एक से तीन सेंटीमीटर तक बास्केट स्टार के जो आर्म्स हैं नॉर्मली दे ब्रांच मोर रिटिडलीज कंपेर टू दैट ऑफ द्रिटल स्टार दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंट बिटवीन दिज टू स्पीशिज ऑफ द क्लास ऑफ यूराइडिया इसके अलावा जो ब्रिटल स्टार है इसके आर्म में जो सेंट्रल डिस्क जो बॉडी में सेंट्रल डिस्क मौजूद है और बास्केट स्टार के अंदर भी सेंट्रल डिस्क मौजूद है अब ये आर्म्स जो हैं दोनों के डिस्क के साथ अटैच होते हैं लेकिन इसके अंदर सी स्टार्स के अंदर ऐसा नहीं होता ब्रिटल स्टार जो है दिस इज नॉर्मली हैविंग फाइव आर्म्स दैट मे हैव जबकि बास्केट स्टार जो हैं इसके अंदर टेन तक आर्म्स भी हो सकते हैं बास्केट स्टार दे मे हैव फाइव आर्म्स जब इसके अंदर फाइव आर्म्स होंगे दे ब्रांच इन टू मैनी स्लेंडर हाईली मोबाइल आर्म्स द आर्म्स जो हैं इन दोनों के अंदर दे आर नॉर्मली कवर्ड ओवर विद द हेल्प ऑफ सम स्पाइंस लेकिन बास्कट स्टार में आर्म्स जो हैं दे आर कवर्ड विद कैलसाइट प्लेट्स आर थिक स्किन अब जो ब्रिटल स्टार है इसकी जो सेंट्रल डिस्क है और जो बास्किट स्टार है इसकी सेंट्रल डिस्क जो है

बट जब ये अपने आर्म्स को एक्सटेंड करती हैं तो आर्म्स की लेंथ जो है वो थ्री फीट तक भी हो सकती है दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस बास्केट स्टार फर यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स दे आर पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क एंड देयर आर फाइव आर्म्स दैट कैन रीच अप टू अ लेंथ ऑफ थ्री मीटर वैन दिज आर्म्स आर Three feet when these arms are extended.